हेलो एवरीवन, आई एम शिखा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स का थ्योरी है, उसके न्यूमेरिकल्स को कैसे स्टेप बाय सॉल्व किया जाए, कौन कौन से टाइप के न्यूमेरिकल्स हमारे CSIR नेट GRF में क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स के रिगार्डिंग आते हैं, वो सब मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप वहां से प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। देन कम टू द क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। आज हम इस वीडियो में क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स का 2020 में रिसेंटली न्यूमेरिकल आया था 4 मार्क्स में 5 सी से, सो वो कवर करते हैं, उस न्यूमेरिकल को कैसे इजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स का जो न्यूमेरिकल था, उस न्यूमेरिकल में गिवन था रैबिट्स का बॉडी वेट 2 पेयर ऑफ एलील्स पे डिपेंड करता है, ए एंड बी। उन्होंने बोला कि ए नेगेटिव बी नेगेटिव रैबिट का जो बॉडी वेट होगा वो 1 kg होगा। मीन सारे रिसेसिव होंगे, सारे नेगेटिव होंगे तो बॉडी वेट 1 kg होगा। एंड ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव सारे पॉजिटिव होंगे तो बॉडी वेट 3.4 kg होगा। सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव मीन्स हमें एक्सट्रीम पॉइंट दिए हैं, एक्सट्रीम हाइएस्ट वेट एंड एक्सट्रीम लोवेस्ट वेट। एंड हमें क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ऑलवेज एक्सट्रीम पॉइंट्स चाहिए एंड जीनोटाइप चाहिए जिनका हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। सो यहाँ हमें एक्सट्रीम हाईएस्ट एंड एक्सट्रीम लोवेस्ट मिल गया है। देन उन्होंने इन दोनों का क्रॉस कराया, इन दोनों के क्रॉस से जो F1 जनरेशन आया उसका बॉडी वेट हमें फाइंड करना था। सो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये हमारा क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। उसमें मेंशन भी था कि एडिटिव इफेक्ट होगा, तो ये सब मेंशन था उसमें, तो हम इजिली इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स की प्रॉब्लम है और उसी तरीके से सॉल्व होगी। सो यहाँ 4 रिसेसिव जीन रिस्पॉन्सिबल है 1 kg वेट के लिए, 4 रिसेसिव जीन्स इन्वॉल्व है 1 kg वेट के लिए। तो इट मीन्स 1 रिसेसिव जीन 1/4 kg वेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है 1 रिसेसिव जीन 1/4 kg वेट। एंड इसको सॉल्व करें तो 1 रिसेसिव जीन 0.25 kg वेट का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। देन हम जो हमारा डोमिनेंट जीन है, पॉजिटिव जीन है, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। इसमें हमारे 4 डोमिनेंट जीन रिस्पॉन्सिबल है 3.4 kg वेट के लिए, 3.4 kg वेट के लिए 4 डोमिनेंट जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, 4 डोमिनेंट एलील्स रिस्पॉन्सिबल है। सो 1 डोमिनेंट एलील रिस्पॉन्सिबल है 3.4/4 kg वेट के लिए। तो सॉल्व करें तो अराउंड 0.85 kg आता है। इट मीन्स हमारे पास 2 इंफॉर्मेशन आ गई है, रिसेसिव जो है वो 0.25 kg वेट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है और जो डोमिनेंट है वो 0.85 kg वेट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। सो हमारा F1 का जीनोटाइप क्या होगा, गैमिट्स क्या क्या होंगे, इफ हम ए नेगेटिव बी नेगेटिव का क्रॉस कराएं ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव के साथ, तो हमारे गैमेट्स होंगे ए नेगेटिव बी पॉजिटिव। इनका जब F1 जनरेशन आएगा तो F1 जनरेशन आएगा ए पॉजिटिव ए नेगेटिव बी पॉजिटिव बी नेगेटिव। सो इट मीन्स यहाँ पे ए पॉजिटिव कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, डोमिनेंट 0.85 प्लस A नेगेटिव कितना कर रहा है 0.25 प्लस B पॉजिटिव कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 0.85 प्लस B नेगेटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है 0.25। तो इट मींस बॉडी वेट हो गया 2.2 किलोग्राम। सो ये बहुत सिंपल सा एक प्रॉब्लम आई थी 2020 में पार्ट सी में 4 मार्क्स में, जो कि बहुत ही इजी प्रॉब्लम थी, इसको बहुत इजीली 1 मिनट में सॉल्व किया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ एक कॉन्सेप्ट माइंड में होना चाहिए कि हमें एक्सट्रीम टॉल से एक्सट्रीम ड्वार्फ से इनका डोमिनेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, रिसेसिव कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो फाइंड करना है। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।